क्या आपको सीबीसी क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन में आउट ऑफ आउट आ सकते हैं? यानी कि मान लो इंटेल में 20 मिल गया और यहाँ पर 80 मिल सकता है बोर्ड्स में? जवाब है हाँ और ना दोनों। अब ये कैसे सर जी? देखो यार, लैंग्वेजेस में ना पूरे मार्क्स आना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है डिफिकल्ट? देखो, रीडिंग सेक्शन जो है आप हैंडल कर सकते हो, देखकर पढ़कर लिखना होता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव होता है तो आराम से कर सकते हो। और वैसे ही ग्रामर होता है, अगर अच्छे से पढ़ाई की होती है ग्रामर में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल आपको आ जाते हैं। पहले सब्जेक्टिव आते थे, अब मुझे पता नहीं ऑब्जेक्टिव, आप देख लेना। जैसे भी लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूँ, लिटरेचर पूरा पूरा सब्जेक्टिव होता है। इसमें जब आप पढ़ने के लिए जाते हो, आप लिखने के लिए जाते हो, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो हो सकता है कि आपके उसमें मार्क्स कटे। लेकिन ऐसा भी है कि यार एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स होना तो बोर्ड वाले मार्क्स नहीं काटते। लेकिन मुद्दा आता है यहाँ पे राइटिंग का। राइटिंग आपने स्कूल में भी देखा होगा, 5 मार्क्स का कोई सवाल होगा, उसमें 3.5 दे देते हैं आपके स्कूल वाले, है ना? पूरा मार्क्स कभी देते नहीं कभी, तो वही लोचा कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन भी होता है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल पेपर काफी अच्छा गया है, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि भाई आपको 100/100 मिल जाए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर आपने हमारे पेपर डिस्कशन को देखा हुआ है पिछले साल के, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को 100/100 आया भी हुआ है इंग्लिश में। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट।